ये अभी तक का मारवाड़ी में सबसे बड़ा घोड़ा इंडिया का। अच्छा हाँ। ऑफर क्या क्या आ गया? ऑफर तो करोड़ों के ऑफर आ अच्छा। चुके हैं इसके जी। अच्छा। तो सेल करने का भी कोई मन नहीं है इसको। करोड़ रुपये तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है ना जी, तो ऐसा चीज़ हमें कभी नहीं मिलेगा जी। घोड़े हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि घोड़े सभी अच्छे हैं पर उनका बजट काफ़ी होता है, जैसे किसी की फीस 71,000 है, 55,000 है, 1,00,000 तक फीस है। ठीक है, फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम माघी मेले में मौजूद हैं जो कि श्री मुक्तसर साहिब की पावन धरती पे हर साल लगता है। तो आज की वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है और रिक्वेस्ट एक ही है, काट काट के ना देखें, अंत तक जरूर देखें। और भाइयों, आज की वीडियो में जो हम आपको घोड़ा दिखाएंगे उसके मालिक का दावा है कि वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा, सबसे हाइट ज्यादा का घोड़ा है। तो एक बार तस्वीर दिखा देता हूं, देखिए काफी शानदार ब्राउन कलर में जो ये घोड़ा देख रहे हो आप, और जो इसके मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बार फ्रेम पूरा खोल के जरूर दिखाओ, देखिए तो देखिए काफी शानदार, काफी बढ़िया, काफी ऊंचा घोड़ा। और जो इसके मालिक हैं उसके उनके साथ बात करते हैं। भाजी क्या नाम है, कौन सी जगह थे? सबसे पहले आपका स्वागत है फार्मिंग बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपका मेरा नाम है जी गुरकिरत सिंह जी, गांव है हमारा बाकरपुर, डिस्ट्रिक्ट मोहाली। अच्छा पाजी, बताओ जरा डिटेल क्या है, और आप जैसे बता रहे हो दावा किया आपने है ना, वो क्या है बताओ जरा जी। ये घोड़ा है जी, इसका नाम है पेड़ विजयराज। ठीक है जी, हाइट इसकी 69+ विद स्केल। अच्छा, और ये अभी तक का मारवाड़ी में सबसे बड़ा घोड़ा इंडिया का। अच्छा हाँ, मारवाड़ी नस्ल में तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से नौकरे में ही सबसे बड़ा होगा जो घोड़ा। अच्छा, 69+ इसकी हाइट है अभी। हाँ। तो अभी 4 दांत तो है, 4 साल इसकी एज है, 1-2 इंच इसने हाइट अभी और करना है। अच्छा, यानी कि हमें उम्मीद है कि 69+ तो हो चुका है, 70+ तक ये जाएगा। 70+ तक जा सकता है मतलब जी? बिल्कुल, बहुत आराम से जाएगा अभी तो। अभी तो 4 साल उम्र है इसका। अच्छा जी, तो अभी ये किस पर्पस के लिए, सेलिंग या फिर नुमाइश या क्या? नहीं, ये सेलिंग के लिए नहीं है, ऑफर काफ़ी बड़े बड़े आ चुके हैं हम इसके घोड़े के, पर ये सेल बिल्कुल ही नहीं करना, और ये सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा है हमने। ऑफर क्या क्या आ गया? ऑफर तो करोड़ों के ऑफर आ चुके हैं इसके जी। अच्छा, तो सेल करने का भी कोई मन नहीं इसको। क्यों मन क्यों नहीं बना फिर? कम लगे पैसे या फिर पैसे कम नहीं, ऐसा चीज़ कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है हाँ। करोड़ रुपये तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है ना जी, तो ऐसा चीज़ हमें कभी नहीं मिलेगा जी। अच्छा जी, तो खासियत जरा बताओ डिटेल में कि क्या कुछ खासियत है इसकी? देखो, पहले खासियत तो इसमें ये है जी, जो कमैत कलर में है। अच्छा। ठीक है, जिसको मारवाड़ी ब्रीड में काफ़ी रेयर कलर माना जाता है। और दूसरी खासियत इसकी हाइट है 69+ हाइट है। अच्छा ठीक है, उसके बावजूद इसमें जो खासियत है, हाइट के बावजूद इसके सभी करेक्टर पूरे हैं मारवाड़ी माल। अच्छा। इसका कान बहुत अच्छा है, इसका फेस का भी अच्छा है। हाँ। इसकी लंबेट का भी अच्छी है। अच्छा। ठीक है, और इसकी पिठपुड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मजबूती काफ़ी अच्छी है। हाँ। उसके बाद इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं घोड़े के। और देखो, हाइट वाले काफ़ी घोड़े हैं, मिल जाएंगे आपको 66 का मिल जाएगा, 67 का मिल जाएगा, पर उनमें ऐसी खूबसूरती नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी हाइट के, इसके हाइट के साथ साथ इसमें खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए स्टैंडिंग पॉइंट्स की गर्दन लंबेट, और इसके कान वगैरह, संभ वगैरह, इसके सब कुछ इसका मजबूत है घोड़े का, यानी कि इसको हम, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं हम देख सकते। अच्छा, आपने खरीदा तो कितने में खरीदा और कहाँ से, मतलब जैसे? जी, हमने पुष्कर से खरीदा। हाँ। तो आया तो काफ़ी महंगे रेट में था, पर हम ऐसा बता नहीं सकते कितने में रेट में आया है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अभी ये मतलब किस तरह से आप इसका देखभाल करते हो, क्या कुछ मतलब रूटीन क्या रहता है आपका? रूटीन तो ऐसा है कि एक्सरसाइज है इसका। हाँ। डेली का। हाँ। ठीक है, हमारा फार्म है उदय स्टार्ट फार्म बाकरपुर एयरपोर्ट के साथ स्टार्ट फार्म है। ठीक है, वहाँ पे सुबह इसकी रनिंग वगैरह होती है, उसके बाद इसको सेब वगैरह। हाँ। गाजर वगैरह और उसकी डाइट जब भी कणक चोकर छोले डाइट, जाने की काफ़ी इसकी केयर टेकर हैं, काफ़ी अच्छे से इसकी केयरिंग करते हैं। अच्छा, थोड़ा जैसे आपने काफ़ी शानदार ये जानवर आपके पास है जी, थोड़ा हमारे भाइयों को ये बताओ कि डाइट प्लान कैसे रहता है, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि उनमें भी समझ आ सके थोड़ा। देखो, ऐसा कि ठंड, सर्दियों में, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर इसको हम
चोकर छोले जवी, चोकर छोले जवी और यही कुछ रखते हैं, यानी कि कोई हैवी डाइट नहीं देते जिसके साथ इनको प्रॉब्लम आए। नॉर्मल डाइट रखते हैं, कोई एक्स्ट्रा यानी कि, और सेब वगैरह इसको रोज मिलते हैं, 2 या 2.5 किलो सेब रोज खा रहा है। अच्छा जी, अगर केयर की बात करें, जैसे कि अलग से केयर टेकर होगा इसका, हाँ, भी है ना, तो मतलब क्या कुछ रहता है दवाई में या कुछ ध्यान वाली बात? खरखरा वगैरह मेन तो इसकी रोज मालिश वगैरह होती है, गोड़े की जो मालिश होती है वो केयर टेकर है ये खड़ा है, तो वो उसकी रोज कम से कम 2 घंटे इसकी मालिश होती है सुबह। तो ये केयर टेकर भी भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं थोड़ी, भाई आपसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है? वो अच्छा वो हैं, चलो सोनू भाई आप पकड़ लो जरा, कोई किसी और भाई को पकड़ाओ, सोनू भाई से बात करेंगे। हाँ तो ये देखिए जो केयर टेकर इसका, इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं ताकि हमारे भाइयों को थोड़ी सी समझ आ सके कि कैसे मतलब। आओ सोनू भाई इधर आओ, अरे इधर तो आओ बात सुनो, अरे इधर आओ यार बात सुनो। चलो तो भाई जरा बताओ कैसे मतलब क्या कुछ करता है सोनू इसका? इसके ऐसे जी, इसके रोज सुबह 2 घंटे इस पर खरखरा और हाथों के साथ मालिश होता ही होता है इसका, ठीक है, और इसकी सफाई वगैरह अच्छी, डाइट प्लान वगैरह सभी कुछ वो टाइम टू टाइम इसको मिलता है। अच्छा, स्टड के लिए ओपन है घोड़ा, ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने कवरिंग तो कर रहे हैं इस घोड़े की। और उसके अलावा हमारे पास एक घोड़ा और भी है, अच्छा, उसका नाम है नूरा। अच्छा, वो नूरा बकरपुर इंडिया का सबसे फेमस घोड़ा है, अच्छा, जो इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा है, ठीक है, वो इंडिया का सबसे फेमस घोड़ा है नूरा। तो भाई ये बताओ, अगर कोई हमारा भाई शौकीन है ना स्टड खरीदने का, घोड़ा खरीदने का, तो वो मतलब ऐसा अगर घोड़ा चाहिए तो वो कैसे पहचान करेगा बच्चे से, मतलब उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए? देखो भैया ऐसा है कि अभी पहचान करना घोड़े में, जो नया बंदा है उसको तो नहीं पता होता, ठीक है, पहचान पहले हम तो उसको यही सलाह देते हैं कि भाई पहले आप थोड़ा मोटा सीखो इनके बारे में, ठीक है, तो फिर उसके बाद घोड़ा बाय कीजिए। उसके जो मारवाड़ी जिसने स्टेलियन रखना है तो उसमें उसका काफ़ी करेक्टरिस्टिक देखना पड़ता है, उसका कान फेस, उसके नेक एंगल, ठीक है, नेक एंगल ज़्यादा जरूरी है मारवाड़ी इस करेक्टर में। अच्छा, कि वो जो देखना पड़ता है। तो वो कैसा होना चाहिए, जैसे इसका देख रहे हैं हम क्या कुछ है? इसमें गुलाई आना चाहिए थोड़ा नेक में। अच्छा जी, तो जैसे ये देख रहे हैं ये गोल में है तो ऐसा होना चाहिए? जी 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 बिल्कुल, बचपन से ही। जी जी जी, तो ये देखिए काफ़ी शानदार भाई का घोड़ा है, और इसका मतलब क्रॉसिंग का रखा है आपने कुछ? इसका क्रॉसिंग 21,000 फीस रखा है जी। अभी तक छोड़ा किसी पे? हाँ, काफ़ी घोड़ी पे छोड़ चुके हैं इसको। रिजल्ट कैसा? तो रिजल्ट काफ़ी बच्चे अच्छे आ चुके हैं इसके, 25-30 बच्चे आ चुके हैं, 5 किलैन आ चुके हैं माथे पट्टे वाले। तो मेन बात तो भाई साहब ये है कि आज के टाइम में 70 इंच का घोड़ा है जी, ठीक है, उसके बावजूद भी हमने इसका फीस जो रखा है बिल्कुल जायज़ फीस रखा है 21,000, ठीक है। काफ़ी घोड़े हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि घोड़े सभी अच्छे हैं पर उनका बजट काफ़ी होता है, जैसे किसी की फीस 71,000 या 51,000 है, 1,00,000 तक फीस है, ठीक है, तो उसके बावजूद जिस लोगों की इच्छा होती है घोड़ी मिलाने की कि हमने घोड़ी मिलाना है इनसे, तो उसके ये फीस है जो उसके बजट में है जी, ठीक है, 21,000 इसका फीस रखा है। कि इतने नहीं घोड़ा कहीं, जो हमारे भाई साहब हैं जितेंद्र सिंह हैं, ठीक है, वो काफ़ी नाइस बंदे हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो सब को सोच कर रखते हैं फीस की, क्यों हम जिम्मेदार बंदे हैं हमें कि जिम्मेदार की भी किसी तरह मदद किया जाए, ठीक है, तो जी 21,000 फीस है, इतने बड़े घोड़े की बहुत जायज़ फीस है जी। तो देखिए भाइयों, भाई का जैसा कि दावा के पूरे ऑल इंडिया में सबसे बड़ी हाइट का ये घोड़ा, तो काफ़ी शानदार डिटेल भाई ने दी है, और अगर कोई जानकारी लेनी है, कोई डील करनी है, कोई नग खरीदना है, तो भाई का नंबर नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप सीधा संपर्क करें और अपनी डील करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।